के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनुराधा प्रसाद और मेरे साथ आज है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। छोटी बहू यानी अपर्णा यादव, वेलकम टू द शो अपर्णा। आप बड़े जोर शोर से और शिद्दत से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत मुश्किल चुनाव है क्या? मुश्किल दौड़ना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर इंटरव्यू देना। लेकिन कह रहे हैं कि आप एक वेटरन की तरह चुनाव लड़े हैं, लेकिन सीट बहुत टफ है आपके लिए। देखिए, चांद पर भी जाना पहली बार इंसान के लिए बड़ा मुश्किल था, मगर गया। तो ऐसा कुछ टफ या वो नहीं होता है, बस आदमी को काम करते रहना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि पहले इलेक्शन में ही अपर्णा यादव को चांद पर पहुंचाने की कोशिश की गई क्या? इतना टफ, इतनी टफ कंस्टिट्यूएंसी अपर्णा को क्यों मिली? ये तो मुझे लगता है कि सौभाग्य की बात है कि पूरे परिवार का विश्वास है मुझ पर और उनके हिसाब से मुझे सीट निकालनी चाहिए। और साथ में अब कांग्रेस पार्टी है, गठबंधन है हमारा, तो बहुत अच्छी बात है, सीट जरूर निकलेगी। कहते दो उत्तराखंडी लड़कियों के बीच में चुनाव हो रहा है, एक सीनियर रीता बहुगुणा जोशी और एक अपर्णा यादव। एक पहले बिष्ट थी, अब अपर्णा यादव है, अपर्णा बिष्ट यादव। तो दो जो लड़कियां हैं वो काफी लड़ाई लड़ रही हैं, तो अब एक बहू है, एक बेटी है। मैं तो मुश्किल सीट आपको क्यों मिली? मैं तो पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पैदाइश लखनऊ कैंट विधानसभा, जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, वहीं की हुई है। मेरी पैदाइश उदयगंज की है और डायमंड डेरी में मैं रहती थी। तो मैं लखनऊ कैंट की बेटी पहले हूँ, उसके बाद मैं इटावा की बहू बाद में। लेकिन ये बताइए कि कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी जैसी वेटरन यू नो लीडर, कभी वो यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है, विजय बहुगुणा की बहन है, मतलब बहुत सारी उनके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स आपके साथ भी, आप मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी है, अखिलेश भैया की बहू। अखिलेश भैया की बहू, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या अखिलेश भैया आपके चुनाव में कब आ रहे हैं प्रचार करने? 15 या 16 में से आ जाएंगे। आ जाएंगे जी। लेकिन कहा जा रहा था कि लोगों, बहुत लोग ये चाहते थे कि आपको इतनी टफ सीट जीत जाए कि पहले राउंड में ही कहीं अपर्णा फेल करे तो ठीक रहेगा। पता नहीं आप उन लोगों से पूछिए क्यों ऐसा कह रहे थे। मैं तो यही कहूंगी कि हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है सबका, परिवार का, और मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग सब साथ में जी। अच्छा, मुलायम सिंह जी कब आएंगे? कहते हैं 15 तारीख को 12:30 बजे कैरेज वर्कशॉप रेलवे, मुलायम सिंह जी आ रहे हैं जी। कहते हैं आपकी उनकी बड़ी पट्टी है, आप उनके साथ काफी आपका राजनीति पर आपकी बातचीत होती है, वो मेरे वितर्क होता वो है। मेरे पिता भी हैं, वो मेरे ससुर जी भी हैं, वो मेरे लिए एक ऐसे आइकॉनिक लीडर हैं जो आई लुक अप टू हिम, ही इज माई पॉलिटिकल गुरु। एंड आई थिंक जब गुरु और शिष्य की उससे हैसियत से बैठते हैं तो मैं सुनती हूँ वो बोलते हैं, तर्क वितर्क की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो काफी कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब देयर्स एनी मतलब मुझे कोई इनपुट शायद ही कभी देना पड़ता है, वो बहुत सी चीजें खुद ब खुद ही बता देते हैं। तो आई थिंक लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। एक बात बताइए, जिस तरीके के वो आइकॉनिक लीडर हैं, जिस तरीके के उनका सोशलिस्ट पूरा बैकग्राउंड रहा है, जिस तरीके की चीजें, आप लोगों का तो साइकिल सिंबल भी है, हा? तो जब आपके हस्बैंड के लिए ये कहा जाता है कि ये समाजवादी कैसे हो गया, ये तो लॉम्बोर्गिनी में घूमता है, ये तो बिल्डर है, ये तो जब, तो इस तरीके की डायकॉटमी क्या घर में भी होती है क्या? देखिए, समाजवादी एक फिलॉसफी है जो नेताजी ने अपना पूरा शायद जीवन दे दिया उस चीज के लिए। हमारे यहाँ घर में और भी लोग हैं जिनके अच्छे खासे बिजनेस हैं, नॉट एवरीबडी इज इन पॉलिटिक्स। हमारे परिवार को बहुत कहा जाता है परिवारवाद के पॉलिटिक्स में है, ये है वो है, बट वो एक अलग आदमी है, ए पॉलिटिकल है, उनसे कोई मतलब नहीं है राजनीति का। कोई जरूरी नहीं कि हर राजनीतिक आदमी का बेटा या बहू या बेटी या उसकी पत्नी राजनीति में आए। तो वो व्यवसाय कर रहे हैं अपना और वो अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता। इस तरीके की जो इमेज या इस तरीके की जो परसेप्शन सोसाइटी में अभी दिया जा रहा है, उसकी क्या इलेक्शन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? वी ऑल शुड आई गेस बी वेरी वेरी फोकसिंग ऑन द वर्क ऑफ द पार्टी एंड द कैंडिडेट।
और पर्सनलाइज किसी की भी फैमिली पे नहीं जाना चाहिए. जब वो आदमी है ही नहीं पॉलिटिक्स में तो व्हाई टू कमेंट ऑन हिज पॉलिटिकल यू नो कॉनोटेशंस की होंगे कि क्या होंगे. वो पर्सनल हमारी इंडियंस की आदत है कि घर में जो पक रहा है उसको नहीं, जो बाहर पक रहा है बगल वाले के घर में पक रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. तो प्रतीक जी एक अपना काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और वो आई डोंट थिंक कभी उन्होंने राजनीति में आने का भी, आपको लगता है कि प्रतीक जी की भी कभी कभी इंटरेस्ट उनका कभी हो सकता है कि वो राजनीति में आए? नहीं नहीं कभी नहीं. आपको बिल्कुल लगता है आप वेरी ए पॉलिटिकल, वेरी ए पॉलिटिकल. उनको आना होता है वो बहुत पहले आ चुके होते हैं. एग्जैक्टली उनको नहीं आने का मन है बिल्कुल. मतलब ही इज वेरी वेरी हैप्पी इन हिज बिजनेस. राजनीति में जाने से वो खुश हैं? बहुत खुश हैं. इनफैक्ट वो काफी मंचों पे बोल चुके हैं मुझे लगता है, मुझसे ज्यादा वो उन्होंने बोला होगा. ही इज वेरी सपोर्टिव. ही सेड हम लोग दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और अलग अलग हमारे अंदर इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं. कोई जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ मतलब एक साथ एक ही क्वालिटी. वी आर ऑपोजिट्स इन टर्म्स ऑफ यू नो क्वालिटीज. कुछ उनमें है कुछ मुझमें है. तो हमें लगता है कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर और बहुत सपोर्टिव है. वी आर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एंड यही इसीलिए हमारा. अच्छा आपको राजनीति में कौन लेके आया? कहते हैं शिवपाल जी का हाथ आपके ऊपर बहुत था, वो उन्होंने ही आपको राजनीति में लाया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी वक्ता है, इस ये बहुत स्पीच अच्छा देती है, इसको जरूर अपने परिवार से लाना चाहिए. उनका भी है, उनका भी रहा है, मगर बेसिकली इट वॉज नेताजी हु पुश्ड इट. नेताजी ने ही मुझसे पूछा कि कहाँ से लड़ोगी, क्या करोगी, जो भी है सब मतलब फोन कॉल उन्होंने ही करी थी, द फेमस फोन कॉल आई गेस. वो काफी पॉपुलर थी तो नेताजी का ही रहा है. और हम आई थिंक नेताजी ने जो भी आज तक कहा है वो सर्वोपरि है हमारे लिए. आप इतना अच्छा बोलती हैं, डिम्पल जो है वो स्टार प्रचारक है, अपर्णा यादव स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो एमएलए का इलेक्शन लड़ रही हूँ और भाभी इज एन रिस्पेक्टेबल एमपी, तो वो लोग अभी फ्री हैं चुनाव में तो वो लोग अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और हम लोग अपना काम करें, अपनी सीट जीत कर दें. पहला चुनाव है, बहुत फोकस करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे. मैं तो इतना मुझे लग रहा है कि ये महसूस कर रही हूँ कि एक इलेक्शन में कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है यहाँ से वहाँ, मीटिंग टाइम एंड मेकिंग टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको लगता है कि ये तो मतलब जिस तरीके का इलेक्शनरिंग है या जिस तरीके की एक्चुअली पॉलिटिक्स में होता है, मैंने ऐसा तो नहीं कुछ सोचा था, ऐसा कुछ ज्यादा सा प्रेशर नहीं? ज्यादा सा नहीं है प्रेशर, तो मुझे पता था कि होगा क्योंकि मैं काफी समय से काम भी कर रही थी. और बट ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, बंटवारे की राजनीति करना, शराब बांटना, पैसे बांटना और साड़ियां बांटना, कपड़े बांटना, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एविडेंट इन दीज एटलीस्ट दीज एमएलए इलेक्शंस. एंड आई हैव गॉट टू नो पीपल लाइक दीज जो हैं, दूसरे लोग हैं कुछ ऐसे. और मुझे लगता है कि लोग जरूर रिपोर्ट भी करेंगे इसको इलेक्शन कमीशन को. और ऐसे गंदी राजनीति को एटलीस्ट अपर्णा यादव प्रमोट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है. आपका एक बयान आ गया था जिसके कारण थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि आरक्षण जो है वो, उस पर आई थिंक बरखा दत्त जी ने काफी क्लियर कर दिया. हाँ. बरखा दत्त जी के ही साथ था मेरा वो और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैंने क्या बोला था और क्या नहीं. मेरे बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ करके विरोधियों ने पेश किया क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा है नहीं. तो सिर्फ आज तक झांसे ही देते आए हैं. तो लेकिन इस बात आप, भी आपका व्यू भी वही है जो पार्टी का व्यू है कि सामाजिक, हमने तो सत्रह और जातियों को इस बार 17 और जातियों को हमने आरक्षण दिया है अपने प्रदेश सरकार से. राजभर है उसमें, कनौजिया है, कई सारी जातियां हैं उसमें, बहुत सी वो हैं ट्राइब्स हैं जिन्हें हमने अडॉप्ट किया है इन टर्म्स की हम उनका डेवलपमेंट कैसे करा सकें, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन हो, उनका बेरोजगारी खत्म करना हो, औरतों को शिक्षा देनी हो, स्किल डेवलपमेंट कराना हो, हम सब साथ में हैं उस चीज के. वरना एक कहा जा रहा था कि आपको एक तरीके का सीनियर्स ने पार्टी में ऑफर दिया था कि भाई तुम अभी इलेक्शन नहीं लड़ो और तुम्हें एमएलसी बना दिया जाएगा, ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. तो इस तरीके की बातें क्यों उड़ गई आपके लिए? क्यों ये कौन सूत्र है? मुझे तो मिल जाए तो मैं खुद ही उनसे पूछूंगी भैया क्या बात है, क्यों ऐसी बात कर रहे हो.
ऐसा आप उन्हीं से पूछे सोर्सेज जिन्होंने बताया मेरे पास तो आप बिल्कुल श्योर थे कि आप यहीं से लड़ेंगी और आपने काफी दिन पहले से काम शुरू कर दिया. इनफैक्ट पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट मी कि आई हैव बिकम अ डेफ्ट पॉलिटिशियन, कि मैं मेरे से कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज का और मैं सिर्फ अपने प्रचार पे लगी हुई हूँ. आई वॉज आई थिंक द फर्स्ट पर्सन जो प्रचार करने लगा था अपने काम काज को लेकर, जो भी कराया है, जो भी किया है हमारी पार्टी ने, खुद मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें थी. अच्छा अपर्णा ये बताइए, आप मोदी की फैन रही हैं, आप कभी उनके, आपकी बड़ी एक फेमस आपके ऊपर स्टोरी भी चली थी कि आपने उनके साथ खूब सारी सेल्फियां ली हैं. पता नहीं वो, लेकिन मैंने अपने भतीजे की शादी में ली थी. हाँ. और तो मेरी सेल्फी छप गई और लोगों की छपी नहीं, तो मैं इसमें क्या करूं. सारे परिवार ने सेल्फी ली थी उसमें, आप देखेंगे तो नेताजी भी हैं साथ में. लेकिन तो ये नहीं आई कि नेताजी के साथ सेल्फी ली. हाँ, ये आया कि कहा कि जो नेताजी की बहू है वो मोदी की सबसे बड़ी फैन है. तो ये कैसे, ये इनफैक्ट नेताजी ने खुद मुझे मोदी जी से मिलवाया उस दिन. आई रिमेम्बर वेरी एविडेंटली दैट नेताजी ने कहा ये मेरी बहू है, छोटी बहू है, अपर्णा है, गाती बहुत अच्छा है, ऐसे करके मिलवाया. तो माय हस्बैंड एंड अदर भाभी लोग खींच रही थी फोटोग्राफ, तो मोदी जी ने खुद कहा कि अरे अब उसकी भी तो ले लो फोटोग्राफ. आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दैट टाइम. बात ये है कि आपने, सबने कहा कि अपर्णा यादव मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है, और आपके बारे में ऐसा कभी आया भी कि आपको लगा कि वो बहुत अच्छे वक्ता है, उनकी बातों में क्लैरिटी है. मैंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए तारीफ करी थी उनकी, कि मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी सोच है, पर जैसे जैसे ग्रेजुअली ये पास हुआ, आई स्टार्टेड यू नो एनालाइजिंग द होल कॉन्टेक्स्ट की ये कुछ मतलब उनका जो एक कह दिया आपने बात, उसके बाद टीम को भी फॉलो अप करना पड़ता है, तो कोई फॉलो अप नहीं था उस चीज का. आप खुद ही देख सकते हैं अभी जब बाहर आप निकलेंगे तो कितनी गंदगी है, वैसे भी कोई कूड़े का डिस्पोजल नहीं है, कुछ मतलब डस्टबिन का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक प्रॉपरली उठाए और उसको डिस्पोज ऑफ करे. इनफैक्ट यहाँ पर तो बहुत समस्या है, दिल्ली में बींग द कैपिटल ऑफ इंडिया वहां कितनी समस्या है. तो डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस इस बार दिल्ली में हुए हैं. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इट्स बिकम वेरी बैड. अब अगर मोदी जी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके कहीं बोलेंगे, अगर रैली करेंगे, तो आप उनका मुंह तोड़ जी तोड़ जवाब देंगे? मैं तो दे ही रही हूँ जी तोड़ मुंह तोड़ जवाब उनका. क्या मैं तो बोले ये क्या हो गया, या अपर्णा को क्या हो गया? अपर्णा जो है उनकी तो भक्त होती थी, सडनली ये कैसी बातें बोलने लगी? भक्त की बात नहीं है, हमारे देश में अगर हमारे ये बड़ी गलत सोच है कि अगर प्रधानमंत्री की एज अ प्रधानमंत्री तारीफ करी गई थी उस समय, और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, पार्टी विशेष का नहीं, ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी. हमारे अंदर आज भी है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं और कोई पूछता है तो वेयर आर यू फ्रॉम, तो पीपल ऑलवेज से आई एम फ्रॉम केरला, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम यू नो गोवा, बट दे वोंट से आई एम फ्रॉम इंडिया. तो ये पेट्रियोटिज्म हमें कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा. पीएम और अ चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली द हेड ऑफ द स्टेट, बट दे आर ऑल्सो नेशनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस. अगर संविधान तो ये कहता है कि अगर आपके माता पिता ना हो, तो आज की डेट में चीफ मिनिस्टर हमारा पिता होगा स्टेट के हिसाब से. FIR अगर लिखनी हो तो अखिलेश भैया विल बी द फादर ऑफ एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू गेट FIR डन, अगर वो ऑर्फन हो. सेम वेज इज इट्स लाइक द PM. तो एज अ PM मैंने तारीफ करी थी उनकी, तो पता नहीं क्यों एक रिलेट कर दिया गया एज अ BJP. आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई कांट लाइक डिफेंड इट ऑल्सो, क्योंकि वो काफी बात फैल गई, वायरल हो गई. ये बताइए अपर्णा कि आपके परिवार की राजनीतिक विरासत को लेके पिछले 6 महीने में जोरदार हंगामा रहा है, और सिर्फ परिवार के अंदर नहीं, प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर सब कोई. तो क्या ये कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव भी विरासत, मुलायम सिंह यादव की विरासत को लेने के लिए आगे आ चुकी हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है. जो हमारे, पता नहीं ये क्यों हुआ ये सब कुछ, एंड आई वॉज वेरी क्वाइट अबाउट इट बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज चली. तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसमें, देयर वॉज ऑल फ्लफ एंड बबल, कुछ इसमें सब्सटेंस नहीं था. विरासत सब्सटेंस तो था नहीं, सब्सटेंस किस बात का भाई? मैं तो कभी कुछ दिख रहा, आप नहीं कर रही थी, लेकिन परिवार के अंदर तो झगड़ा था. सिर्फ कुछ सीटों को लेकर चाचा और भैया में ये सारी बातें थी, जो एक
वैचारिक उनका ये था मत कि इनको सीट दी जाए और इनको सीट ना दी जाए, तो आप अगर लिस्ट कंपेयर करेंगे तो उसमें आई थिंक 10-20 सीट का ही थोड़ा मसला था। वही बात जब नेताजी के पास गई तो उसमें भी नेताजी एंड भैया में थोड़ा मतभेद हुआ था, बट परिवार में मैं सच बता रही हूँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग। आप तो खुद हम लोगों को देख चुकी हैं कितनी शादियों में सब कुछ है, वी आर वन फैमिली। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है आप और राजीव जी थे उस दिन, और एमिटी के एक और जो अशोक चौहान जी हैं हम लोग बैठे हुए थे, तो भैया ने मुझे खुद मिलवाया था, अखिलेश भैया ने, शादी थी तेजू की शादी थी। तो ऐसा कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं मतलब मेरे से कभी नहीं, वो मेरे बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, आज नहीं कल नहीं, दैट्स अ फैक्ट विच इज अनचेंज्ड, एंड आई थिंक दिस शुड बी नॉट चैलेंज्ड। कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह जी की विरासत जो है या उनकी लेगेसी अखिलेश यादव को मिल गई है पूरी तरह से? मिल गई है और मिलनी भी चाहिए, उन्हीं का हक बनता है, वो बड़े हैं हमारे, ज्येष्ठ हैं, उनका हक बनता है, हमें मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं, बहुत बड़ी बात है कि, और बड़े बेटे को मिल गई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी ये बताइए तो फिर इतना झगड़ा हुआ क्यों, जब सब कुछ परिवार में इतना क्लैरिटी थी? नहीं, हम लोगों में तो बहुत क्लैरिटी थी, आपस में इन लोगों का जो सीट के ऊपर था उसके चक्कर में थोड़ा सा जो है एक जो भी कह सकते हैं आप जो भी हुआ हमारे सामने वो था, बट अब सब क्लियर हो गया, ऐसा कुछ भी तो नहीं। रिश्तों में जो खटास आई थी खास करके अखिलेश जी और चाचा जी में, वो उस खटास को खत्म होना चाहिए, आपको लगता है कि वो खटास खत्म हो पाएगी? हो जाएगी, हो ही गई है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ भी रहे हैं, चाचा साइकिल के ही सिंबल पे लड़ रहे हैं, इज अ वेरी मच पार्टी मेंबर एंड बहुत वरिष्ठ है हमारे, मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंटली उन्होंने है हमारी पार्टी को, बहुत स्ट्रगल करी है पार्टी के लिए एंड अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ कभी कभी हो जाती है ऐसी बातें, कभी यू अग्री ऑन समथिंग, समटाइम्स यू डोंट, बट इवेंचुअली फैमिली इज यूनाइटेड। क्या अपर्णा यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में आई हैव ऑलवेज सेड फेविकॉल का काम करेंगी? बिल्कुल, मैं फेविकॉल हुई घर के, मुझे जो भी कुछ कुर्बानी देनी पड़े आई एम रेडी टू यू नो गिव इट अवे, बट आई वॉन्ट द फैमिली टू बी वन, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये मेरा बिलीफ है एंड जेन्यूनली आई बिलीव दैट कि ये अगर हम लोग एक हैं तो हम लोग बहुत बड़ी पावर है और देश में है एक नाम है पूरी फैमिली का, बहुत से लोग इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों के घर इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है एका बहुत जरूरी है और एका रहेगा, मेरी तो यही प्रार्थना है। अच्छा तो आप तो गाना भी गाती हैं? मत गवाइए, अरे थोड़ा सा तो गाना पड़ेगा, देशभक्ति गीत ही गा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाना तो पड़ेगा। आप तो ट्रेंड सिंगर है, मेरी गला आप देख रहे हैं कितना खराब है, बुला दो तो मैं यही गाऊंगी, दिल है छोटा सा गा दूं या आवारा भवरे गा दूं? कोई भी गा अभी मैं गार्ड में बैठी हुई यही गाना सुनी रही थी। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन के भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। अपर्णा, हमसे बात करने के लिए बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। आशा है कि आपकी ये जितनी आशा, आपकी जो अभिलाषा, छोटा सा दिल, ये सब उसी तरीके से उछाले मारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ये थी आमने सामने में अपर्णा यादव, मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।